भारतवर्ष के जनमानस पर हजारों वर्षों से प्रभु श्री राम का राज्य है। भारत में किसी भी व्यक्ति के जन्म पर श्री राम कृपा के मनोभाव के साथ ही श्री राम, जय जय राम का जप नाम हो, प्रत्येक दिन किसी भी दो व्यक्तियों के मिलने पर राम राम बोलने की परंपरा हो, या मृत्यु के बाद भी शमशान तक राम बोलो भाई राम का जप नाम हो, भारत में जन्म जीवन और मृत्यु तक समग्र जीवन काल में लोगों के हृदय पर राजा राम का प्रभुत्व है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को दोपहर 12 बजे अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ था और वह पवित्र दिन राम नवमी। आज जब हमें अपने परदादाओं के नाम भी स्मरण नहीं होते, तब सहस्त्र वर्ष पूर्व जन्म में एक मनुष्य की जन्मतिथि पूरा भारतवर्ष आज भी उल्लास से मनाता है। सोचिए कैसा अद्भुत व्यक्तित्व होगा उस महामानव का, सद्गुणों की पराकाष्ठा यानी राम। राम एक आदर्श पुत्र जिसने पिता के एकमात्र निर्देश पर बिना संकोच या दुख के समृद्ध अयोध्या नगरी की राजगद्दी को त्याग 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। राम एक आदर्श भाई, अपने भाइयों का बल और उनके लिए स्वार्थ त्याग के लिए हमेशा तत्पर। राम सेवकों के प्रभु, जानकी नाथ राम आदर्श पति, जिन्होंने अपने हृदय सिंहासन पर एक ही स्त्री माता सीता को स्थान दिया और सीता जी ने भी जन्म जन्मांतर पति के रूप में प्रभु श्री राम को ही पाने की अभिलाषा की। श्री राम और सुग्रीव की परस्पर मैत्री, संकट में एक दूसरे की सहायता राम के आदर्श मित्र व्यक्तित्व की झलक है। मृत्यु के अत्यंत निकट शत्रु रावण के ज्ञान का सम्मान कर श्री राम का लक्ष्मण को रावण से ज्ञान के पाठ पढ़ने के लिए कहना और रावण के मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार करने के लिए विभीषण द्वारा मना करने पर अपने भाई के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का शिक्षण देते हुए राम को देख एक शत्रु भी सोचता होगा कि शत्रु भी हो तो राम जैसा। आदर्श शिष्य के रूप में गुरु को समर्पित हो अपनी शिक्षा का परमार्थ कार्य आसुरी संस्कृति के विनाश और न्याय के लिए लड़ने के लिए उपयोग किया और श्री राम को लोगों ने उनके यह उपकार के लिए उनको देवतुल्य स्थान दिया। राम आदर्श राजा, उनकी राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान का तो उनके समृद्ध राज्य के लोगों द्वारा दी गई राम राज्य की उपाधि से ही ज्ञात हो जाता है और राम को ना पूजने वाले लोगों को भी हमेशा राम राज्य की कामना रहती है। सोने की समृद्ध लंका भी जीतने के बाद अपनी मातृभूमि अयोध्या लौट अपने कर्तव्य का निर्वाह करना मातृभूमि के प्रति राम के प्रेम को दर्शाता है। उनकी ऐसी कर्तव्य निष्ठा क्या आज हमें भी विदेश के भौतिक सुख नहीं, परंतु राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए अपना कर्तव्य पालन करने की सीख नहीं देती? मनुष्य नर की मर्यादाओं जैसे मन, भावना, विचारों, विकारों, सामर्थ्य और व्यवहारिकता के साथ ही रहकर अपने नारायण मूल्यों और आचरण से दैवीय कार्य कर नर से नारायण बने श्री राम। और रामनवमी का पवित्र दिन यानी प्रभु श्री राम के ऐसे जीवन संस्कारों को स्मरण कर हमारा भी उन मूल्यों को आचरण में उतार नर से नारायण बनने का प्रयास। आज जब लोग मर्यादा, सिद्धांत और संस्कारों को भूलते चले हैं, तब राम आदर्श मूल्यों तथा मर्यादा के अपने जीवन में आचरण के द्वारा आज के दौर में हमारे लिए भी मार्गदर्शक है। सोचिए राम यानी अपने भीतर के प्रकाश को जगा हम सब ही ऐसे विचारों और मूल्यों को जीवन में उतार भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए कर्तव्यशील होंगे तो क्या राम राज्य वास्तविक नहीं?